यमी और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए हमारी आगे आने वाली सभी रेसिपीज़ की जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यमी फूड किचन। आज हम अपने किचन में बनाएंगे सूजी का हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। इसे हम बहुत कम तेल के साथ बनाएंगे और बहुत सी सब्जियों का यूज़ करेंगे। इसे आप बच्चों के टिफ़िन के लिए या ब्रेकफास्ट में, शाम की चाय के टाइम, किसी भी टाइम बना सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बन जाता है और ये हेल्दी और टेस्टी होता है। तो आइए हम सूजी का ये नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। इसे हम सूजी के अप्पम भी कह सकते हैं। तो आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अप्पम का बैटर बनाएंगे। एक बाउल में सूजी डालेंगे, दही डालेंगे और इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जितना पानी और डालने की जरूरत होगी हम पानी डाल लेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। हमें इसका एक स्मूथ सा बैटर बनाना है। आप देख सकते हैं बैटर बन चुका है। अब हम इसे कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए साइड में छोड़ देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। तब तक हम इसके लिए सब्जियां तैयार कर लेते हैं। गैस के ऊपर एक पैन रखेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा इसके अंदर हम राई डालेंगे और इसे चटकने देंगे। जब हमारे मस्टर्ड सीड चटक जाएंगे तब हम इसके अंदर करी लीव्स डालेंगे। करी लीव्स को हम हाथों से ही थोड़ा रफली तोड़ लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसके अंदर हरी मिर्ची डालेंगे और कुछ सेकंड्स के लिए इसे चला देंगे। अब हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना स्किप भी कर सकते हैं। इसे भी कुछ सेकंड्स के लिए सॉटे कर लेंगे। अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे और चलाते हुए इसे हल्का कलर चेंज हो जाने तक भून लेंगे। बारीक कटी शिमला मिर्च डालेंगे, इसे भी सोटे कर लेंगे। हमें इन्हें हल्का ही सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। अब हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे और इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सब्जियां हमारी तैयार हैं। अब हम इसे उतार कर थोड़ा ठंडा कर लेंगे और हमारा ये बैटर भी तैयार हो चुका है। सूजी फूलने के कारण ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है, इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो सब्जियां हमने तैयार की है वो इसके अंदर डाल देंगे और अब हम मसाले डालेंगे। सबसे पहले लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे और नमक डालेंगे। हमें इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसालों की जरूरत नहीं है, बस नमक और मिर्च डाल देंगे। इसी से ही हमारे ये अप्पम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जब हमें अप्पम बनाने होंगे ठीक उसी टाइम पर हम इसके अंदर बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा हमें बिल्कुल टाइम पर डालना है, पहले नहीं डालना है। इसे मिक्स कर लेंगे। तब तक मैंने अप्पम स्टैंड को भी गैस के ऊपर गर्म होने के लिए रख दिया है। हमारा ये अप्पम स्टैंड भी गर्म हो चुका है। अब हम इसको हल्के ऑयल से ग्रीस करेंगे, बहुत ही हल्का ऑयल लगाएंगे। इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करेंगे। ग्रीस करने के बाद अब हम इसके अंदर थोड़े थोड़े मस्टर्ड सीड डालेंगे और फिर हम इसके अंदर एक एक चम्मच भर के बैटर डाल देंगे। बैटर को हमें थोड़ा नीचे ही रखना है, ये हमारी इन कटोरियों से ऊपर नहीं आना चाहिए क्योंकि ये बनने के बाद थोड़ी फूलेंगी। अब हम इसे कवर करके लो मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। इसे हमें लो मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, फ्लेम को हाई नहीं करना है। आप देख सकते हैं नीचे से सूख चुके हैं क्योंकि आप देख रहे हैं ऊपर से भी इसका बहुत कलर चेंज हो गया है। अब हम इन्हें हल्का ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे अप्पम बहुत ही ज़्यादा करारे सिक्कर तैयार होंगे।
अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। आप देख सकते हैं नीचे से कितना अच्छे से सिककर तैयार हुआ है। सभी अब हम की हम साइड चेंज कर देंगे। अब हम इसे फिर से कवर करके 2 से 3 मिनट पकने देंगे। अब हमें इसे 2 से 3 मिनट ही पकाना है। इसी में ही ये बहुत अच्छे से सिककर तैयार हो जाएंगे। आप देख सकते हैं नीचे से भी कितना अच्छे सिककर तैयार हुआ है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। हमारे ये सभी अप्पम बनकर तैयार है। इसी तरह हम बाकी बचे बैटर के भी बना लेंगे। पैन को हम ग्रीस करेंगे और इसके अंदर मस्टर्ड सीड डालेंगे और फिर इसके अंदर बैटर भर देंगे और ठीक उसी तरह इसे कवर करके 3 से 4 मिनट तक लो फिर मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। हमारे ये दूसरा बैच भी बनकर तैयार है। अब हम इसे गर्मा गर्म टमाटो केचप के साथ सर्व करेंगे। आप चाहें तो इन्हें धनिया और पुदीने के ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हमारे ये सूजी से बने हेल्दी और टेस्टी अप्पम बनकर तैयार है। आप हमारी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।